आपने अभी जस्ट बोला कि एज फैक्टर कोई इफेक्ट नहीं डालता जी, लेकिन नॉर्मली तो सुनने में आया कि एक एज के बाद लोग डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं अब सर्जरी नहीं हो सकती। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल से छोटे और 60 साल से बड़े बच्चे ही होते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग इतने बिजी रहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख सकते, और वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो किसी के भरोसे रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स स्पेशली फीमेल्स के लेग्स कर्व हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, जिसे हम बो लेग बोलते हैं, और वो लंगड़ के चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर पे भी लोड आने लगता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो लेट बात का यूज भी नहीं कर पाते जी। तो ऐसी स्टेज ना आए, और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि 60 साल तक वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए, नाती पोतों के लिए, बट 60 के बाद एक ऐसी एज आती जब वो खुद के लिए जिए, कहीं किसी के भरोसे ना रहे, खुद का काम खुद कर सके, भगवान के दर्शन कर सके, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो फ्रीली जा सके। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि उनको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल आके कराएं, ताकि वो आगे की जो भी उनका जीवन है 10 15 20 साल दर्द रहे जिए, और पेन किलर दवाइयों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी दवाइयां देंगे, एक लिमिट के बाद तो फिर किडनी लीवर पे असर आने लगता है जी। वही मैं पूछने वाली थी आपसे कि पेन किलर अक्सर एडवाइस करते हैं डॉक्टर, लेकिन बोलते हैं लॉन्ग टर्म टाइम तक अगर हम लेते हैं तो या तो उसका असर बंद हो जाता है या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। देखिए साइड इफेक्ट तो ज्यादा होते हैं क्योंकि किडनी लीवर पे सीधा असर आता है। मैं इसलिए सबको बोलना चाहूंगा कि आपको ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या जब शुरू हो तो अपने आसपास जो भी आपके यहाँ एक एक्सपर्ट डॉक्टर है उससे जाके मिले। इनिशियल सिम्टम्स पे ही हम उस बीमारी को रोक सकते हैं, बट लोग डरते हैं, पहले घरेलू नुस्खा आजमाएंगे, फिर किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, और जब सब कहीं से त्रस्त हो जाते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, बीमारी काफी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तब हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज रहता है तो आजकल लेटेस्ट इंजेक्शन आ गए हैं, आर्टिफिशियल जेलीज आ गए हैं, पेन किलर्स आ गए हैं, जो कि हम जो एक लिमिटेड टाइम में देके उनको उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी टेक्निक है स्टेज वन और स्टेज टू के लिए। फिजियोथेरेपी एक बहुत कारगर इलाज है कि मांसपेशियों में ताकत बनी रहे, तो एक अच्छा इलाज ये भी है जी।